रूस यूक्रेन युद्ध हो या इसराइल हमास युद्ध, इसने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन और इसराइल के साथ है। दूसरे पाले में रूस, ईरान, फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया, कतर, सीरिया, लेबनान, मिस्र और करीब करीब सभी इस्लामिक देश नजर आ रहे हैं। ये दूसरे गुट के देश अपनी नीतियों के मुताबिक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े हैं। अब इनकी एकजुटता को लेकर जो खबर आई है वो पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी सहयोगी और रूसी मीडिया में काफी चर्चित रहे व्लादिमीर सोलोवियोव ने अपनी ये बात कहकर पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक नया विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और रूस मुसलमानों को हथियार उपलब्ध कराकर उसका समर्थन करेगा। सोलोवियोव पश्चिम के खिलाफ ग्लोबल जिहाद की बात करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, ये युद्ध ग्लोबल जिहाद को हथियार बनाकर लड़ा जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि अगर वैश्विक जिहाद शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? सोलोवियोव ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भी अमेरिका को फटकार लगाई, जिससे यूक्रेन रूस के अंदर 165 किलोमीटर तक उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा, हमें अमेरिका के दुश्मनों को हर चीज मुहैया करानी चाहिए, उन सभी के लिए कोई भी हथियार जो उन्हें चाहिए। इस विश्व युद्ध के बारे में इसी तरह की चेतावनी पुतिन के दूसरे सहयोगियों के जरिए भी जारी की गई है। इसमें रूस टुडे चैनल के प्रधान संपादक मार्गरीटा सिमोनियन का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत है, देखिए कैसे ब्रिटिश प्रशिक्षक यूक्रेन छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिकियों और बाकी सभी की तरह यूक्रेन के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। रूस अपनी इस बात को बार बार और जोर देकर प्रचारित कर रहा है। उसके मुताबिक जो होने वाला है वो पश्चिमी देशों के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। इसी बात को अपने शब्दों में कहने वाला एक और नाम इसमें शामिल है, रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जिन्होंने 19 अक्टूबर को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो सकता है। मिडिल ईस्ट एक और युद्ध देख रहा है, नियमों के बिना एक क्रूर युद्ध। इन सब बयानों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। हो सकता है कि रूस की तरफ से ये बयान उसकी रणनीति और कूटनीति का हिस्सा हो, लेकिन ये तो तय है कि फिलहाल की परिस्थितियों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों के साथ तमाम इस्लामिक देश इनके खिलाफ खड़े हैं, और इसी पाले में हमास और हिजबुल्ला जैसे कई आतंकी संगठन भी हैं। और यदि ये सभी एकजुट हो जाते हैं तो यकीनन पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा सकते हैं।